सो गाइस हमारे साथ आज है हीरो स्प्लेंडर प्लस का बिल्कुल ही नया एडिशन, और ये जो है आपको 01 एडिशन के नाम से सुनने को मिल जाएगा, क्योंकि भाई इसके जो ग्राफिक्स हैं उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं। सबसे पहले भाई आप लोग ये देखो, यहाँ पर आपको मिल जाएगी स्प्लेंडर प्लस की ब्रांडिंग जो कि 3D वर्क में है, और उसके नीचे आपको मिल जाएगा 01 का ग्राफिक, जो कि ये जो है रहने वाला है सिल्वर कलर का। ग्राफिक्स आपको मिल जाएंगे सिल्वर और रेड कलर के। बाकी जो गाड़ी के बॉडी पैनल्स हैं जैसे कि टैंक, साइड पैनल, फ्रंट मिड गार्ड और बाइक का सीट काउंट, ये सब आपको मैट ग्रे में देखने को मिल जाएगा। बाकी यार भाई इसका जो सबसे अच्छी जगह है वो आपको हम दिखाते हैं पहले। तो यार इधर से जो गाड़ी का टैंक है वो बिल्कुल ही प्लेन है, इधर से आपको कोई भी लुक्स नहीं मिल रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग गाड़ी के इधर से देखेंगे ना, तो इधर आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा ग्राफिक वर्क देखने को मिल जाएगा। इधर जो है नीचे आपको मिल जाएगा हीरो का 3D में लोगो क्रोम फिनिश्ड। बाकी यार ऊपर आपको मिल जाएगा स्प्लेंडर प्लस का ग्राफिक जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, टैंक जितना बड़ा है उतना बड़ा आपको पूरा ग्राफिक वर्क देखने को मिलेगा, और ग्राफिक जो है वो रहने वाले हैं सिल्वर कलर के। बाकी यार भाई इसमें आपको लाइनिंग वगैरह देखने को मिल जाएगी, और इसका जो फ्यूल कैप है जो इसकी पहचान है वो भी आपको लाइनिंग के साथ पूरी मिलेगी, और ये पूरा जो है मैट में रहने वाला है। लेकिन भाई ये वेरिएंट, मतलब ये जो कलर ऑप्शन है, ये सिर्फ एनालॉग वाले मीटर कंसोल में लॉन्च हुआ है, एक्सटेक के लिए कोई भी अपडेट नहीं किया गया है। बाकी यार इसमें आपको मिल जाएगा USB चार्जिंग पोर्ट, और इसका भाई जो मीटर कंसोल है इसको तो भाई आप लोग बचपन से देखते आ ही रहे हो, और ये वेरिएंट टॉप वेरिएंट है जिसमें कि आपको सेल्फ स्टार्ट, और इधर आपको मिल जाएगा i3S थ्रॉटल, तो भाई सारी दुनिया जानती है, और इधर आपको मिल जाएगा इंडिकेटर, हारन, पास वगैरह देखने को मिल जाएगा। और गाड़ी का जो पूरा ओवरऑल लुक है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वो आप पूरा एक फ्रेम में चेक कर लो भाई। तो ये जो है गाड़ी का पूरा एक साइड का प्रोफाइल आप लोग देख सकते हैं कि कंपनी ने जो है गाड़ी का कलर और ग्राफिक काफ़ी अच्छा डिज़ाइन कर रखा है। फ्रंट का भाई जो गाड़ी का वाइजर है उस पर भी आपको ग्राफिक देखने को मिल जाएगा, जो भाई आप लोग खुद से मॉडिफाई कराते हो, लगाते हो स्ट्राइप्स वगैरह, वो आपको कंपनी खुद से लगा के दे रही है। मैट और ग्रे का आपको टचअप मिल जाएगा। बाकी यार भाई यहाँ पे आपको मिल जाएगा हीरो स्प्लेंडर प्लस का 3D में तो भाई नहीं है, ग्राफिक वर्क में है। यहाँ पे आपको मिल जाएगा पायलट लैम्प, हेलोजन के हेडलाइट और हेलोजन के टर्न इंडिकेटर्स जो कि भाई फ्लेक्सिबल रहने वाले हैं। ग्राफिक्स आपको भाई यहाँ पर कोई भी नहीं मिलते, लेकिन ब्रांड को इससे मिलता जुलता कुछ ग्राफिक यहाँ पर देना था, क्योंकि भाई यहाँ पर नहीं दिया, यहाँ पर दे दिया। और जो है इसका भाई जो पीछे का ये टेल लाइट का पोर्शन है यहाँ पर भी मिलते जुलते ग्राफिक्स दे दिए, तो फेंडर पे भी ग्राफिक्स देने थे। बाकी यार भाई इस गाड़ी में जो है आपको मिल जाएगा ग्रैब रेल एल्यूमिनियम का, जो कि भाई आप लोग खुद से मॉडिफाई कराते थे 400 रुपये का, तो इसमें जो है कंपनी अब खुद से लगा के दे रही है ग्रैब रेल एल्यूमिनियम का। बाकी यार भाई गाड़ी में जो है आपको यही ग्राफिक का फ़र्क देखने को मिला है, और जो भाई ग्रैब रेल है उसका आपको फ़र्क मिल गया है। बाकी अब बात करते हैं गाड़ी का टेल, तो यार इसमें आपको कुछ ऐसी टेल लाइट मिल जाएगी जो कि चौकोर में रहने वाली है। ब्लिंकर्स आपको कुछ ऐसे मिल जाएंगे हेलोजन के। बाकी यार भाई ये बिल्कुल ही नया स्टॉक आया है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा रिफ्लेक्टर, और इसका भाई जो ये टेल टाइडी है ये काफ़ी ठीक है, नंबर प्लेट जो है यहाँ पर प्लेस हो जाएगी। और भाई अगर बात करें गाड़ी की फिनिशिंग एंड क्वालिटी की, तो कंपनी ने वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव कर रखी है, और इसमें जो है भाई अभी आपको फ्रंट में ड्रम ब्रेक मिलता है, और इसमें जो भाई आपको CBS मिल जाता है, लेकिन ब्रांड को इस गाड़ी में जो है सिंगल चैनल ABS और सिंगल डिस्क देनी चाहिए बिल्कुल भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा कंप्लेन आती है, कमेंट भी आते हैं, तो इसमें जो है बहुत ही जल्द भाई हो सकता है कि ब्रांड सिंगल डिस्क ब्रेक प्रोवाइड करा दे, चाहो तो वेट ज़रूर करना। बाकी भाई रिफ्लेक्टर्स आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं, और इसका भाई जो फ्यूल टैंक है ये आपको, इसमें भाई आपको कोई पेट्रोल टी वगैरह नहीं मिलता है, मतलब जो पहले आता था BS4 में उसमें आप लोग भाई पेट्रोल को ऑन ऑफ कर पाते थे, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा फीचर नहीं है। बाकी यार भाई ये इंजन से आप लोग रूबरू हैं, जो कि आपको 100 CC के साथ मिल जाता है, इंजन जो है वो आपको लेटा हुआ मिलेगा, इसमें आपको जो है मान के चलो 75 के आसपास का माइलेज मिल जाएगा, और इसके बाद जो स्पीड है वो आपको 95 के आसपास तक की मिल जाएगी, और ये इंजन जो है बहुत ज़्यादा रिलायबल है, BS6 में कितना रिलायबल है नहीं पता, और ये भाई जो इंजन है आपको पावर स्टार्ट FI के साथ देखने को मिलेगा। तो गाड़ी का जो ओवरऑल पूरा लुक है वो आप लोग इधर से चेकआउट करो कि कैसा लगने वाला है।
बाकी यार भाई फ्रंट में आपको मिल जाएगा फॉर्क टेलीस्कोपिक का, पीछे मिलने वाला है ट्विन शॉक जो कि रहेगा सिल्वर कलर का। तो ये रही बाइक की फ्रंट प्रोफाइल, ठीक है। तो ये आप लोग भाई एंड में पूरा गाड़ी का ओवरऑल लुक देख लो। तो भाई बताना कि आपको ये गाड़ी कैसी लगी वो आप कमेंट डाउन ज़रूर करना, और भाई जो वीडियो है लाइक कर देना, साथ ही भाई जो चैनल है सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।